एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। सो आज का जो ब्लॉग है, हम लोग जाने वाले हैं फिफी आइलैंड डे टूर में। तो इस आइलैंड में मैंने जो ये टूर पैक है, इसमें टोटल 3 आइलैंड हम लोग को विजिट करवाएगा और उसमें टोटल 7 पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें लंच भी इंक्लूड है, स्नॉर्कलिंग भी इंक्लूड है उसमें ही, और पैडल बोट है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। मंकी आइलैंड ले जाएगा और खाई आइलैंड या ग्रीन आइलैंड ले जाएगा। सो अभी चलते हैं हम लोग। तो जो टूर पैक हम लोग को पड़ गया वो टोटल है 1800 बात। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, ये अपना टैक्सी जो भी है हम लोग को ले जाएगा वहाँ तक, मैंने वहाँ फेरी तक। सो गाइस, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट दिखा हुआ, माया बे बीच ले जाएगा, मंकी बीच और ग्रीन आइलैंड और खाई आइलैंड, और स्नॉर्कलिंग का भी आपको पॉइंट्स दिख गया होगा, और लंच का भी। लंच के लिए हम लोग को फीफी ले जाएगा, फीफी डॉन, और ये फ्री पैडल बोर्ड। गाइस, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये राउंड ट्रिप है, मैंने हम लोग को टैक्सी लेके होटल से पिकअप करेगा और ड्रॉप भी कर देगा शाम में। सॉफ्ट ड्रिंक है अनलिमिटेड, इंग्लिश गाइड भी रहेगा अपने पास, लंच, पैडल बोर्ड, क्लियर कायक और फ्रेश फ्रूट, मास्क, स्नॉर्कलिंग, लाइफ जैकेट और इंश्योरेंस। सो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। हम लोग को टोटल पड़ गया 1800 बात, ये सब चीज़ें और वो आइलैंड सब हुआ है। तो आपको दिखाएंगे कि पूरा टूर कैसा होता है फिफी आइलैंड का। और फिलहाल अभी मॉर्निंग हो रहा है, 7:40 हो रहा है गाइस यहाँ पे, और ये नज़ारा सुबह ही से चहल पहल स्टार्ट है यहाँ पे, और ये रिजॉर्ट सब है पटाउन के रिजॉर्ट्स, और ये मेन रास्ता है बेसिकली ये वाला, जिसके जस्ट बगल में ही हम लोग का होटल है यहाँ पे गाइस। और गाइस यार, जस्ट मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे बाइक सब और स्कूटी सब रेंट में मिलेगा आपको, जस्ट बगल में ही है। 400-500 बार मैंने, आप बार्गेनिंग करिएगा जरूर से, क्योंकि आप बार्गेनिंग होता है अपना इंडिया टाइप का ही, और अच्छा खासा होता है, आधा में एकदम मिल जाएगा। आधा बोलेंगे नहीं, मतलब अगर 300 बात बोल रहा है तो 200 तक जाएगा। तो बार्गेनिंग जरूर से करें यहाँ आए तो, सब चीज़ में बार्गेनिंग करिएगा जहाँ तक आप मतलब कर सके। ठीक है गाइस, MG का यहाँ पे कार, तो गाइस ये रहा हमारा जो वैन है जिसमें हम लोग पिकअप करने आए हैं। तो आप पीछे चलते, कहाँ आगे चलना है? तो गाइस आगे लगी आ गए, बस बैठ गए अंदर में। अभी और लोगों को भी उठाएगा, तो फिलहाल हम लोग के साथ 5 जन है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे से हम लोग का बोर्ड धरना है, और यहाँ पे होगा हम लोग का ब्रेकफास्ट और चेकिंग भी कराना है ना। सो गाइस, अभी हम लोग का एंट्री हो चुका है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री हो चुका है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है। चलते पहले ब्रेकफास्ट करते। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट, यहाँ पे ब्रेड है, आमलेट है, और ये पता नहीं क्या है, पता नहीं पांडा है कि क्या भी है, पता नहीं चल रहा, या केला वेला है, केला सब खा सकते हैं, बिस्किट सब भी है, ब्रेड भी है यहाँ पे, और जैम भी है, तो उस हिसाब से चाय वाय सब है। तो चलते पहले खाते लेते, चलो चलो चलो। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपना बोट के पास, स्पीड बोट।
गाइस अभी हम लोग लग चुके हैं लाइन और देखिए लाइन अभी अपना शिप में इंटर करेंगे, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कौन कौन सा आइलैंड जाते हैं हम लोग। तो फाइनली गाइस वी रीच माया बे बीच और अभी हम लोग थोड़ा वॉक करके जाना है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये एरिया है सिटी आइलैंड, तो भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस बेसिकली जो माया बे बीच है वहाँ पे बस हम लोग को फ़ोटो लेने का अलाव है और देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं उसमें। हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो स्विमिंग जोन नहीं कर रहा, मैंने स्विमिंग जोन में नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है वहाँ पे स्विम करने। यहाँ पर भीड़ देखिए गाइस, बहुत भयानक भीड़ है, मस्त एरिया है यहाँ से पेड़ है मस्त करना है। अभी हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। पहुंच गए क्या? नहीं। हाँ पहुंच गए, तो पहुंच चुके गए। कितना टाइम लगा हम लोग? लगा 5-10 मिनट लगे। यहाँ देखिए गाइस अरे क्या है, जबरदस्त है, बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है यार यार ना। अरे बहुत ज़्यादा ही क्लीन है लग रहा है, ठीक है। तो गाइस चलो पहुंच गए फाइनली, खुल के चले गए, रखेगा लेके चले गए, चोरी भी करेगा तो क्या बोले, जूता तो है हम लोग के पास, यहाँ पे रख दिया हम लोग। और देखिए है गाइस, लग रहा है बहुत सही, लग रहा है बहुत सही। देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, इंडियंस भी बहुत है, और यहाँ पे देखिए नो स्विमिंग जोन है और यहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ाना है, सो कीप इन माइंड कि आप ड्रोन ना उड़ाएं। बताओ कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, जन्नत है, जन्नत है। तो बोले क्या, जब भी बोलो कम है, आप आइए तब पता चल जाएगा, बहुत ही मस्त। देखो हम लोग आ चुके हैं माया बे बीच और देखिए यहाँ का सीन बड़ी मस्त है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो होपफुली आपको पसंद आए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसमें आया है, तो वहाँ पे हम लोग को इंटर करना मना है, तो नहीं जा सकता। तो गाइस अभी हम लोग इंजॉय कर लिए, 40 मिनट का टाइम दिया था यहाँ पे, तो अगर आप भी आएंगे तो आप लोगों को 40 मिनट देगा क्योंकि सबका एक ही रूल है। और अभी चलते हैं अपना बोट के पास, मज़ा है, बहुत धूप है, और अभी हम लोग वापस चलते हुए। Like this before, you've got my head spinning and my heart is pounding and you are
तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ना वहाँ पे कॉलेज में। यहाँ देखिए गाइस क्या सीन आ रहा है। तो गाइस ये रहा पीले लेगून और यहाँ पे हम लोग स्विम करने के लिए टाइम मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो अरुण देख रहा है चला तो गाइस देखिए बिना लाइफ जैकेट का इधर हम लाइफ जैकेट में भी नहीं कर पा रहे थे बिना लाइफ जैकेट में भी कुछ नहीं कर पा रहे आ रहे आ रहे ठीक है क्या हो रहा है अरे तू जाएगी कैसे ये तो टेढ़ा हो गया कैसे तेरा टेंशन लग रहा है हमको तेरा टेंशन लग रहा है अरे वो तो ठीक है तो? चलते कैसे है पैर को वैसे चलाओ ये टेढ़ा कहे हो रहा है ये मेरा टेढ़ा लेके जा रहा है वो तो उसमें 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 स्टीयरिंग थोड़ी है। टू थ्री स्टार्ट ये यहाँ पे देखिए गाइस हेलो क्या कर रहे हैं बैठ के ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है माइक ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा हम चला गए मजा आ रहा है बस अरे जिधर से करते तिधर जाता है अरे टकरा रहे अब मकान धीरे धीरे आराम से हाँ मैंने दोनों साइड से करना पड़ेगा ना यहाँ पे थॉर प्रोफेशनल है पूरा प्रोफेशनल स्विमर है तो इसको कोई डर नहीं है थॉर हाय सो यहाँ का सीन देखिए गाइस बहुत अच्छा है अगर थोड़ा क्वालिटी डाउन है ना तो इसका कवर लगा है इसलिए इसका क्वालिटी डाउन है तो यहाँ पे थॉर है देखिए प्रोफेशनल स्विमर है और यहाँ पे देखिए बहुत लोग स्विम करना सीख रहा है साफ कर लेते मस्त Anyone, now is please, someone.
यहाँ पे एडवेंचर करते हुए ओदे वहाँ पे फीस है ओदे ओदे वहाँ पे सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पीपी डॉन आइलैंड और यहाँ पे देखा अरुण निकल रहा है फोटो खींचे फोटो और अभी जा रहे हैं हम लोग लंच करने और हम लोग को बुलावा आ रहा है कि आओ जल्दी आओ कर रहा है। तो ये रहा पीपी आइलैंड पानी पानी देखो ना हरा हरा देखते हैं खाने में क्या है ये ओ भाई हम लोग के लिए क्या चीज़ मिलेगा अरे चाउमीन है चाउमीन तो लग रहा है तो गाइस ये रहा मेरा लंच और यहाँ पे देखिए क्या क्या है चिकन है राइस है और ये चिकन भी है सैलेड ले लेते ना चिकन हो तो वहाँ पे हम खा रहे हैं पेट थाई और यहाँ पे फ्राइड चिकन ये थोड़ा खाने लायक दिख रहा है ये लो तो देखिए गाइस पीपी डॉन का जो आइलैंड है कितना सुंदर है और अभी हम ऐसे ही भटक रहे हैं रास्ता देखते हैं कुछ नज़ारे और अच्छे अच्छे आपको दिखाते हैं ये तो चलते हैं आगे देखते हैं कोई जगह जहाँ मस्त मस्त फोटो आए फोटोग्राफर अरुण के साथ यहाँ पे तो चलते हैं अभी थोड़ा उधर पेड़ वेड़े साइड में तो यहाँ पे अच्छा अच्छा फोटो आता है तो वही पेड़ में खिंचाते हैं थोड़ा सोचे तो बेसिकली फेमस है मतलब बीच तो है और ऊपर से यहाँ पे लंच के लिए लाते हैं और नज़ारे अच्छे आते हैं फोटो के लिए मस्त एरिया है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंकी आइलैंड जो कि यहाँ पे देखिए सामने में बैठा हुआ है ओह ओह तो गाइस फिर भी हम गए यहाँ पे मंकी आइलैंड बोलते हैं इसको यहाँ मंकी सब है देखते कहाँ मंकी है अरे दे 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 गाइस सी ये रहा मंकी हाँ छेड़छाड़ नहीं करना तो देखिए गाइस दादा जी है मंकी का दादा जी है इसका भी सोच रहा है यार का है ऐसा कर दिया लो कैन से जीने दो ये देखिए यहाँ पे है लेके जाना है मेरे दे तेरे के मस्त कुदा है। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग खाई आइलैंड और यहाँ पे देख सकते हैं यार जेट्स की पैरासेलिंग सब हो रहा है और ये वाला जो आप देख रहे हैं सीट इसके लिए आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा 150 बाद और यहाँ का सीन देखिए यहाँ पे हम लोग को टोटल 1 आवर का स्टे दिया है मतलब टाइमिंग कि आप नहाइए जो करना करिए और ये देखिए जेट्स की है इधर और अंदर में क्लब्स भी है बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए सन तो
वहाँ देखिए गाइस पैरासेलिंग क्या किसकी हो रहा है। तो गाइस ये रहा थोड़ा सा अंदर का माहौल। ये देखिए गाइस कहाँ कहाँ से घुस घुस के जा रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया जगह है इधर। छाया लग रहा है। हाँ छाया मस्त लग रहा है इतना धूप है। यहाँ पे बहुत लोग स्विमिंग कर रहा है, स्नॉर्कलिंग भी कर रहा है। बिल्ली देखिए गाइस क्या देख रहा है पता नहीं। वो तो क्या चीज़ देख रहा है। और सीन देखिए बस ये काई आइलैंड का है। At the same time, it's never been like this before. You've got my head spinning and my heart is pounding, and you always leave me wanting more. You help me escape, you take me away. कौन कौन सा जगह से हम जा रहे हैं गाइस? चल पाएंगे यहाँ ना? मैं तो कभी नहीं चल पाएगा बिना चप्पल का। सो गाइस आज का वीडियो ये भी ख़त्म करते हैं। आपको होपफुली ये फिफी आइलैंड वाला टूर पसंद आया होगा और इसमें सब जानकारी आपको दे दी है कितना का हम लोग टूर पैक कराए। हम लोग को लगा था 1800 बार, फिर से बता दे रहे। और हम लोग को ले जाता है फिफी आइलैंड, फिर ले जाता है हम लोग को फिले लगून और वाइकिंग करके एक जगह है वाइकिंग केव, वहाँ बस दिखाता है। मैंने हम लोग को रुकता नहीं है बोट बस दिखा देता है और आप फोटो ले सकते हैं। फिर हम लोग को ले गया था माया बे बीच और फिर काई आइलैंड बीच। तो ये जगह आपका कवर करता है। फिफी डॉन ले जाता है, वहाँ पे भी हम लोग फिफी डॉन में भी हम लोग फोटो खिंचाए और मज़ा किए। बीच था वहाँ पे भी, लेकिन बेसिकली उन्होंने ले जाता है वहाँ पे लंच के लिए। तो लंच के बाद आप लोगों के पास टाइम रहता है तो आप लोग मस्ती कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।